आज मैं करने वाला हूँ नाइट आउट। चौराहे पर भी सब कुछ बंद है, कुछ नहीं खुला है, लड़ाइयाँ चल रही हैं बस। रात भर ओपन रहता है, पूरी रात ओपन रहता है। देखो बहुत सारी चीज़ें, रात की तरह लोग चॉकलेट वगैरह भी, केक वगैरह, पेस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं। देखो एक जगह और मिली मेरे को, सी सावरिया सेड करके। गाइस तो मैं आप जितिन जैक्सन फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आए गाइस स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस अगर आपको आवाजें आ रही हो, आप मैं अगर आवाज अगल बगल सुन पा रहे हो, तो रात के बज रहे हैं 12 और मैं घूम रहा हूँ घर के बाहर, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ नाइट आउट। लेकिन मेरी आवाज सुन सुन के थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है। अगर आप सुन पा रहे हो ध्यान से आवाज देखो, मतलब इतनी भयंकर भयंकर चिड़ियों की आवाज आ रही है, बहुत डरावनी आवाज लगती है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे बारे तो मैंने आज दिखाने वाला हूँ आपको झांसी में रात को 12 बजे आप क्या क्या घूम सकते हैं और क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या खुला होता है। तो आज के लोगों में मतलब बहुत सारी जानकारी, मतलब मेरा मन था थोड़ा घूमने का, तो अपनी गाड़ी उठाकर, मेरी भैया गाड़ी है, मेरे हेलमेट लेकर मैं अपने बैग पैक करके, मतलब बैग में अपना पूरी सेफ्टी गार्ड, मतलब वगैरह पर्स वगैरह, रात को अगर पुलिस पकड़ती है तो कदम यही मैं घूमने के आया हूँ। मतलब जनरली जो सामान होता है वो लेकर आया हूँ और घर से निकल आया हूँ। तो आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा रात को झांसी में क्या क्या खुला होता है, रात को 12 बजे आपको क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या मज़ा आएगा, साइड सीन भी दिखाऊंगा। तो आज का ब्लॉग आप पूरा देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। माया तेरे वेखण नू चुक चरखी दे विच डावा, ए माया तेरे वेखण नू चुक चरखी दे विच डावा, ए लोका पाणे मैं कत दी। तो गाइस सबसे पहले आए थे हम लोग सदर में, सदर में सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो हर जगह सब कुछ बंद हो गया है। लेकिन आगे चेक करते हैं, चलिए गाइस चेक दिस आउट। चौराहे पर भी सब कुछ बंद है, कुछ नहीं खुला है, लड़ाइयाँ चल रही हैं बस। वो तो खुली है दुकान, पानी की दुकान खुली हुई है, ये आइसक्रीम की दुकान खुली है मेन चौराहे पर सदर पर, और देखो ये फल फ्रूट की दुकान भी खुली हुई है। रात की आंटी देखो ये भैया बेच रहे हैं, आंटी बेच रही हैं, ये है आइसक्रीम भी है, देखो ये भी है, ये कौन सा है, महालक्ष्मी मिक्स आइसक्रीम। चलिए और चलते हैं आगे, और आ गए हैं और सब दुकानें बंद है, लेकिन यहाँ पर हमारे टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम की शॉप और हमारे शर्मा जी की कॉफ़ी खुली हुई रात को 12 बजे तक, देखिए अभी भी खुली हुई है। चेक दिस आउट, यहाँ आप पी सकते हैं और पेट्रोल भरा सकते हैं। पेट्रोल पम्प तो पर है ही हमारे सदर का जो पेट्रोल पम्प है, वहाँ पेट्रोल भरा देते हैं, पेट्रोल भरा के और निकलते हैं ब्लू सिविल लाइन की तरफ। गाइस चेक दिस आउट, सिविल लाइन तो पूरी बंद ही हो गई, लेकिन मेरे को पता है एक चीज़ खुली होगी। चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैंने सोचा था बेकर्स फैक्ट्री खुली होगी, लेकिन बेकर्स फैक्ट्री भी बंद है, लेकिन मुझे पता है एक चीज़ ज़रूर खुली होगी क्योंकि वो खुलने के लिए है ही। आगे देखते हैं। तो गाइस जैसा मैंने गैस किया था वैसे ही हुआ, मुझे पता था कुछ चीज़ खुला ना हो, लेकिन ये दो चीज़ ज़रूर खुली होती हैं रात को। मैं खुद आया हूँ रात को 2-2 बजे। सबसे पहले खुला है हमारा लेपिनोज पिज़्ज़ा, देखो दिखाया बढ़िया मस्त रात को, अमृतसर हवेली की उस तरफ है, ये है लेपिनोज पिज़्ज़ा आपको दिख रहा है। रात भर ओपन रहता है, पूरी रात ओपन रहता है, इसके जेल सिविल लाइंस में है, ये मैं सिविल लाइंस पे खड़ा हुआ हूँ और सामने है 24/7, ये तो आप मतलब इसका मतलब ये 24/7 ये खुला होता है। तो मेरा ये मन नहीं है, मैं खाना खा के आया था घर से, तो मैं नहीं खा रहा हूँ और मैं ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मैं फालतू में जो 250-300 रुपये बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मैं चलते हैं कुछ स्नैक्स लेने के 24/7 में। चलिए भाई चेक दिस आउट, देखो ये एम बी चाय वाला नीचे है वो बंद हो गया है, और देखिए हम चलते हैं अंदर 24/7 में कुछ खरीदते हैं। गाइस चेक दिस आउट, रात को भी इतनी भीड़ है, चलिए कुछ खरीदते हैं, कुछ अच्छा खरीदते हैं। तो गाइस आप बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह खरीद सकते हैं, ड्रिंक्स वगैरह खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने लिया अभी लस्सी, मैं लस्सी पीऊँगा। देखो बहुत सारी चीज़ें, रात के सारे लोग चॉकलेट वगैरह भी, केक वगैरह, पेस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं। ये देखो बहुत रखे हैं सारे, सब कुछ खरीद के बिलिंग करा सकते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर ड्रिंक, रात के जो भी चीज़ यूजफुल होती है वो आप खरीद सकते हैं। देखो आप लोग देख लेना पोस्ट कर करके जो भी आपको लेना हो, मैंने तो ले ली लस्सी, एक बिलिंग कराता हूँ भैया, कर देना बिल। तो गाइस लस्सी पीते पीते और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है खाने के लिए और घूमने के लिए। जैसे घूमने के लिए तो कुछ नहीं है, घूमने रात को घूमो, मौसम के मजे लो, ठंडी हवाओं के मजे लो, बाइक पर बढ़िया, कार से मत आना, मैं कहूँगा बाइक पे ही आना, मज़ा आ गया। लस्सी पीते हैं और सोचते हैं काका जाते थे कुछ खा सकते हैं,
क्या क्या मिलता है खाने को, चलते हैं। तो गाइस चेक दिस आउट, रात को एक जगह और मिली मेरे को सी सावरिया सेड करके जो मोमोस एंड फास्ट फूड बनाते हैं। तो ये पूछते हैं क्या क्या मिलता है, पहले मेन्यू देते हैं। ये रखा है कुछ मेन्यू इसमें से, वैसे मैंने कर दिए हैं ऑर्डर मोमोस, भैया अभी रेडी कर रहे हैं। मैंने किए हैं वेज मोमोस हाफ प्लेट, रात को खोलें ये, रात को भी खोलें, बढ़िया है। भैया अपन कितने बजे तक खोलते हैं रात को? ये 11 बजे तक खोलती है अपनी। हाँ, तो आज लेट कैसे हो गए? आज भी ये लाइटिंग वगैरह कर रहे थे, थोड़ी देर से थोड़ा लेट। अच्छा, अभी न्यू ओपन किए शॉप अपन ने, तो आप लोग ज़रूर आएँ भैया की शॉप पर। सवारी तो जोमेटो पर भी हैं, आप लोग देख सकते हैं इनकी आईडी है, इनको ज़रूर आके चेक करें और खा के ज़रूर देखें श्री सवैया सेठ जी मोमोज एंड फास्ट फूड। गाइस फाइनली हमारे मोमोज आ चुके हैं, तो 6 पीसेस मिले हुए हैं, चटनी है। मैं आपको खा के ट्रूली रिव्यू दूंगा, ट्रूली रिव्यू कैसा लगता है खाने में, खाते हैं। भाई अगर मैं सीधे नंबर पे आता हूँ, 10 में से नंबर दूंगा, 10 में से दूंगा मैं, ऑल पैसे मिला के, सब ओवरऑल मिला करके 10 में से 7 नंबर। मम्मी को स्पाइसी बहुत पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को स्पाइसी पसंद है, इसलिए मैं अच्छे नंबर दे रहा हूँ। अगर आप अपने हिसाब से दूँ तो मैं तो 5 दूंगा, लेकिन वैसे अगर ओवरऑल दिए जाएँ 10 में से 7 नंबर, बढ़िया है। जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा, देखिए अच्छा दिया है, मैं किसी की गाड़ी पर गिरा रहा हूँ चटनी। गाइस मोमोज खा के मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं स्पाइसी बहुत कम खाता हूँ, मैंने स्पाइसी खा लिया और मेरा पेट पहले से भरा हुआ था और ज़्यादा भर गया। चल चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो गई मोमोज में, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, ये लग रहा गलती कर दी मैंने मोमोज खा के। तो गाइस मोमोज खाने के बाद आ गया तो मैं सीधा घर पर, और मेरी हो चुकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, मेरा तो इतनी जलन होने लगी थी, मेरे चेस्ट में इतनी जलन होने लगी, मैं सीधे मैंने कहा हो गया नाइट आउट, 1 बज गया था, मैंने चलो घर चलते हैं सीधे। भयंकर मतलब मैं वैसे मैं आपको पता है मैं मतलब बाहर खाता हूँ, मतलब बहुत कम ही खाता हूँ, मतलब स्पाइसी तो बिल्कुल ही नहीं खाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोमोज काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे मोमोज, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या भाई दिक्कत हो गई, वो थोड़ा उसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डले हुए थे, मैं वैसे भी बहुत कम खाता हूँ, हैं वैसे टेस्टी बहुत थे वो, लेकिन मेरे को दिक्कत कर गया, तो मेरे पेट फूलने लग गया था एकदम से अजीब से। मैं अभी आया हूँ, मैं वॉशरूम से आया सीधा करके फ्रेश होकर, तब मेरे को थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन अभी भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, तो मैं सीधे घर पे आ गया, मैं थोड़ा नुकसान ना हो जाए, भारी ना पड़ जाए नाइट आउट, तो मैं घर पे आ गया। भाई थोड़ा बहुत जितना दिखा पाया, पसंद आया हो तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज के अलविदा, मैं हूं जितिन जैक्सन, जय हिंद जय भारत।